अस्सलाम वालेकुम। 5.10 कंटिन्यू करते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स विद द हेल्प ऑफ एचसीए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 4x³ + 8x² - 3x - 9 + 12x³ + 28x² + 13x - 3। ठीक है, अब हमें हाईएस्ट पावर जो है उसको अब देखना है। इसमें हाईएस्ट, अब देखें यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो फिर हम इसका कांस्टेंट देखेंगे। जो बड़ा कांस्टेंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटी वैल्यू से। जनाब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12x³ + 28x² + 13x - 3। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे? 4x³ + 8x² - 3x - 9। अब 4x³ यहाँ पर है, यहाँ पर 12x³ है, x³ तो है और यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है, तो किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 12x³ आ जाए? तो आप मल्टीप्लाई करवा दें 3 से, तो यहाँ से 12x³ आ जाएगा। चाहिए 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस 8x² से, तो 3 8 24 पॉजिटिव x² ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस है, 3 3 9x। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो माइनस में आपके पास आएगा 25। साइन चेंज करें, ये दोनों होगा आपस में कैंसिल, सही। अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, साइन बढ़ेगी होगी 4x² ठीक है। प्लस 3 है, प्लस 9 है, प्लस 13 है, प्लस 9 है, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस 22x। माइनस 3 प्लस 27 प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगी, प्लस में 24, 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन ले, क्या लें? 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x² + 11x + 12 ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे किसको? 2 को, सही। अब हम क्या करेंगे? नाउ डिवाइड बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से, ठीक है। अब हम पावर्स देखेंगे, यहाँ पे x³ है, यहाँ x², तो इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कौन सी वैल्यू डिवाइड हो रही है? 4x³ + 8x² - 3x - 9 किससे करेंगे? बाय 2x² + 11x + 12 से, सही। तो जनाब ये आ गया आपका डिवाइड, 4x³ + 8x² - 3x - 9। यहाँ पे आपके पास आएगा 2x² + 11x + 12 सही। अब x² है और 2 है, यहाँ पे x³ है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x से, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4x³, 2x मल्टीप्लाई होगा 11x से, 2 11 22x² हो जाएगा। ये 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है? 24x ठीक है। साइन चेंज, आपस में हो गए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगी आती है, ठीक है। 22 में से 8 गए, क्या बचेगा आपके पास? 14x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस की रहेगी, 27x - 9 एज इट इज। अब हमने क्या करना है? माइनस 7 से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है। माइनस 7 2 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 14x² माइनस प्लस माइनस, 7 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आएगा 77x माइनस प्लस माइनस, 7 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास क्या आएगा? 84। साइन चेंज, ये दोनों आपस में होगा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगी रहेगी। यहाँ से आपके पास आया 50x माइनस 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 प्लस, माइनस होगा, साइन बढ़ेगी होगी। 84 में से 9 माइनस किया, 75। अब इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? 25 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? 2x + 3। यहाँ पे हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट कर देंगे किसको? 25। अब देखें छोटी पावर आ गई और यहाँ पे बड़ी पावर है। अब हम क्या करेंगे? नाउ डिवाइड 2x² + 11x + 12 बाय किससे करेंगे? 2x + 3 से, सही।
तो जनाब यहाँ पे हमारे पास आ गया 2x² + 11x + 12, यहाँ पे आपके पास आ गया 2x + 3। 2 है x और x है, तो एक x से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, साइन चेंज, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 11 में से 3 माइनस किए, 8x + 12 एज इट इज। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 से, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8x, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12, ठीक है। साइन चेंज, बचा आपके पास कुछ भी नहीं, ठीक है। रिमाइंडर आपके पास क्या है, 0। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, जिससे आपकी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए और रिमाइंडर 0 आए, वो आपका एच सी एफ होता है। तो एच सी एफ आपके पास आया 2x + 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास, अब देखें क्वेश्चन क्या था हमारा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एचसीएफ। अब हमारा एचसीएफ है ना, अब एलसीएम का फार्मूला हमारा क्या होता है, एलसीएम का फार्मूला हमारा होता है एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकेंड पॉलिनोमियल, ठीक है। और डिवाइड में इसकी क्या होगा, डिवाइड में इसकी होता है एच सी एफ, सही। ये एल सी एम का फार्मूला आ गया एच सी एफ के साथ। तो हम ये वैल्यूज हमारी क्या बनेंगी, फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारी क्या है 4x³, ये हमारी फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये हमारी सेकेंड पॉलिनोमियल, 4x³ + 8x² - 3x - 9 फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकेंड पॉलिनोमियल है 12x³ + 28x² + 13x - 3, डिवाइड में आपके क्या है एच सी एफ, यहाँ पे आ जाएगा 2x + 3। अब देखें यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास 2x + 3 है, अगर हम 2x + 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो इसकी जगह हम जो हमारे पास फैक्टर आएंगे हम वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नाउ डिवाइड 4x³ + 8x² - 3x - 9 बाय 2x + 3, सही। तो यहाँ पे आ गया 4x³ + 8x² - 3x - 9, यहाँ आ गया 2x + 3। 2x है यहाँ पे, 4x³ है, किससे मल्टीप्लाई कराएं, 2x² से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आ जाएगा 4x³, 2x² + 3 से मल्टीप्लाई करा दें 2 3 6, 6x² साइन चेंज, आपस में ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 2x² - 3x - 9। अब किससे मल्टीप्लाई करा दें, प्लस x से मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास आ जाएगा 2x², यहाँ से आपके पास आएगा प्लस 3x, साइन चेंज, आपस में कैंसिल, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -6x - 9। अब आपने क्या करना है, -3 से मल्टीप्लाई करना है, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6x, -3 + 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, दोनों की साइन चेंज, आपस में कैंसिल, डिवाइडर क्या बचा हमारे पास, 0। तो जनाब अब हम लिख सकते हैं, देखें अब हम क्या लिख सकते हैं, 4x³ + 8x² - 3x - 9 डिवाइडेड बाई 2x + 3 इज इक्वल टू 4x³ + 8x² - 3x - 9 डिवाइडेड बाय 2x + 3 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको हम, हमारा जो भी हमारा अभी आंसर आया ना, क्या है 2x² + x - 3 आया, ठीक है। इस वैल्यू की जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी अगर हम और सॉल्व करें, इस वैल्यू को भी अगर हम और सॉल्व करें, ये हमारा क्या आया, अच्छा इस वैल्यू को अगर हम और सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, 2x² + x - 3। इधर 2x² + x को हम अगर हम लिखें इस तरह से, +3x - 2x - 3 करके, सही। तो जनाब यहाँ से तो 2x² आया, बल्कि x कॉमन आ गया,
और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ क्या बचेगा प्लस 3। यहाँ से अगर हम माइनस वन कॉमन ले लें तो क्या आएगा आपके पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन आया, बचा क्या x माइनस वन। ठीक है, तो जनाब हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अब हमारा क्या बन रहा है, एलसीएम हमारा बन रहा है इस पूरी वैल्यू की जगह इस वैल्यू को हमने इससे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 2x प्लस 3 एक्स माइनस वन, और ये इक्वेशन हमारे पास अभी बची हुई है जो कि क्या है 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। सही, हमने क्या करा, एलसीएम का फार्मूला था फर्स्ट पॉलीनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलीनोमियल डिवाइड बाय एचसीएफ। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट करी, इन दोनों को डिवाइड करके हमने सॉल्व करके लिख लिया, अब ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे, लिखेंगे सॉल्व 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3। अब हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो दी डिवाइजर ऑफ 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और 3 से हो सकता है। हम पुट करते हैं x की जगह माइनस 1, तो जना p माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 12 माइनस 1 क्यूब प्लस 28 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 13 माइनस 1 माइनस 3। 12 माइनस 1 का क्यूब क्या है, माइनस 1 रहेगा, प्लस 28 माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 28 माइनस 13 माइनस 3। 12 प्लस 3 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 15, माइनस 15 माइनस 13 माइनस 28 प्लस 28, यहाँ से आपके पास क्या आया 0। ठीक है, तो जनाब हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या आया x माइनस 1 था, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा इस फैक्टर ऑफ किसका, पी एक्स का, x प्लस 1 क्या हो गया फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x प्लस 1 से डिवाइड करा देंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ डिवाइड पी एक्स बाय x प्लस 1। Px हमारे पास क्या है 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3, x प्लस 1 से डिवाइड कराएंगे, किससे मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई करवा दें 12x स्क्वायर से, तो आपके पास आएगा 12x क्यूब, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कितने बचे यहाँ पे आपके पास 16x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3, एक्स है तो आप क्या करेंगे 16x से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से आपके पास 16x स्क्वायर, और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x माइनस माइनस आपस में कैंसिल, प्लस माइनस 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 3x बचा और माइनस 3 एज इट इज़, क्या करा दें माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 3x आ गया, माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3, साइन चेंज आपस में कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा 0। तो जना 12x क्यूब प्लस 28x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3 को हम के फैक्टर हमारे पास क्या है x प्लस 1, और 12x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 3। सही, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जनाब x प्लस 1, यहाँ पे हम क्या करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, 12x स्क्वायर 16x है, इसको हम लिखते हैं प्लस 18x माइनस 2x माइनस 3। सही, तो x प्लस 1, यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आएगा 6x बचेगा क्या x प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन आएगा माइनस 1 तो बचा x प्लस 3। सही, तो जनाब x प्लस 1 कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x बचेगा,
ठीक है, 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, तो 2x प्लस 3 आपके पास क्या आया, कॉमन आया। ठीक है, बचा गया 6x माइनस 1। सही, तो ना हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा, अब देखें हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई। ये डिवाइड जो हमने किया था, इसको डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आया था, 2x प्लस 3 x माइनस 1। ठीक है, हमारे पास आया था 2x प्लस 3 x माइनस 1। सही, अब हमने जब इसको सॉल्व किया, ये वाली वैल्यू सॉल्व करी, जो कि हमारे पास यहाँ पर आया है, कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, x प्लस 1, 2x प्लस 3, 6x माइनस 1। सही, तो यहाँ देखें, यहाँ पर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 है ना, तो हम लिखते हैं x माइनस 1, x प्लस 1, 6x माइनस 1। अब दोनों बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर। सही है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ HCF करना है। तो जनाब हम लिखेंगे HCF कैन बी फाइंड एज, इस वैल्यू को आप डिवाइड करा दें फर्स्ट वैल्यू से, x की पावर 4 माइनस 12x प्लस 21, डिवाइड करा दें आप x 4 माइनस 15x प्लस 14। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि x4 यहाँ भी, x4 यहाँ भी है, तो x4 आया माइनस 15x प्लस 14। साइन चेंज, ये दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी 3x, यहाँ से आपके पास ये आएगा प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगी 7। ठीक है, अब यहाँ छोटी पावर है, यहाँ बड़ी पावर है, तो हम क्या करेंगे, नाउ डिवाइड x4 माइनस 15x प्लस 14 बाय 3x प्लस 7। x4 माइनस 15x प्लस 14 को डिवाइड कराने के से 3x प्लस 7 से। अब देखिए यहाँ x4 चाहिए हमें और यहाँ आपके पास क्या है 3x, ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास x4 आए। अच्छा, x को अगर हम x क्यूब से मल्टीप्लाई कराएं तो x4 तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन इस 3 का क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 भी है तो डिवाइड 3 से भी कर दें। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, x4। सही, इसी तरह से x क्यूब अपॉन 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 7 एक्स क्यूब अपॉन 3। साइन चेंज, ये दोनों तो होगा आपस में कैंसिल। फिर अब यहाँ आपके पास अब क्या बचेगा, माइनस 7x क्यूब अपॉन 3, सही, माइनस 15x प्लस 14। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस 7x क्यूब अपॉन 3। अच्छा, x है यहाँ पे, x क्यूब है और क्या है, यहाँ 7 है और यहाँ क्या है, डिवाइड में 3, तो डिवाइड में 3 भी आना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, माइनस 7x स्क्वायर अपॉन 9 से। सही, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x से x क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से आपके पास माइनस 7x क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। सही, और जब ये वैल्यू प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस माइनस माइनस 7 जा 49x स्क्वायर अपॉन 9 एज इट इज़। सही, ये प्लस में दोनों हो गए आपस में कैंसिल। अब आपके पास प्लस में क्या आया, 49x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 15x प्लस 14। अब हमें प्लस में 49x स्क्वायर अपॉन 27 चाहिए, अपॉन 9 चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस 49x अपॉन 27 से। ठीक है, जब 3 से मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 वन जा 3, 3 नाइन जा 27, और x से x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ से आपके पास प्लस में 49x स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 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 7 की टेबल में 27 आता है, नहीं आता, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे,
49 से, तो आपके पास आएगा 343/27x। सही है, साइन चेंज, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। अब यहाँ पे भी x वाली वैल्यू है, यहाँ पे x वाली वैल्यू है, माइनस माइनस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस में 748x/27। ठीक है, और ये प्लस 14 एज इट इज़। अब हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस 748/81। ठीक है, 81 से डिवाइड करने की बजाय जब 3 मल्टीप्लाई में आएगा तो 3 के टेबल में 27 से 81 आता है। ठीक है, यहाँ से माइनस 748x/27 आपके पास आएगा। ठीक है, और जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास माइनस में 5236/81 आएगा। ठीक है, तो हम इनकी साइन चेंज हो जाएंगी और ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। यहाँ से आपके पास क्या आया, प्लस में 5236/81+14=0। तो जनाब अब हमारा क्या है, ये क्वेश्चन जो था गलत था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या था, गलत था। अब हमारा सही क्वेश्चन क्या है, सही क्वेश्चन जो है मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। चलो हमारा सही क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास 12x था ना, लेकिन सही क्वेश्चन यहाँ क्या है कि हमारे पास 22x होना चाहिए। अब हम करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, x4 - 22x + 21 को x4 - 15x + 14 से। ठीक है, सबसे पहले आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आया x4 - 15x + 14। साइन चेंज आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 7x, यहाँ से कितना आया प्लस 7। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करा, माइनस 7 कॉमन ले लिया, बचा क्या x-1, नेगलेक्ट कर दिया माइनस 7 को। नाउ डिवाइड, अब हमने हाईएस्ट पावर को डिवाइड करवा देना, x4 - 15x + 14 को किससे करवा देंगे, x-1 से। जनाब x4 - 15x + 14 अंदर आ गया, x-1 से डिवाइड करवा दें तो सबसे पहले आपने x3 से मल्टीप्लाई कराया तो x4 आया माइनस x3 आया। ठीक है, जब -1 से मल्टीप्लाई कराया, साइन चेंज की आपस में कैंसिल, x3 - 15x + 14। अब x हमारे पास पहले यहाँ पर है, x3 यहाँ पर है, प्लस x2 से मल्टीप्लाई करा दें तो x3 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x2, साइन चेंज आपस में कैंसिल। अब हमने क्या करना है, प्लस x से मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पे x2 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -x, साइन चेंज आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 14x + 4, यहाँ पे 14 है। ठीक, अब क्या करेंगे, -14 से मल्टीप्लाई करा दें तो -14x, माइनस माइनस प्लस 14 - 14, साइन चेंज हुई, ये दोनों भी क्या हो गए आपस में कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हमारा HCF क्या हुआ, HCF हमारा हो गया x-1। ठीक है, क्योंकि इससे हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो गई है। जिन्हें हमारे पास LCM का फॉर्मूला है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि हमारे x4 - 15x + 14 है, इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल जो कि हमारे पास x4 - 22x + 21 है, और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिवाइड में है x-1। सही, तो जनाब हम एक चीज, अगर हम अब देखें यहाँ पे x4 - 14 x-1 ये हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा इसको हम एक दफ़ा और कर लेते हैं। ठीक है, अभी तो हमने जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तब हमने HCF के लिए x-1 निकाला ना, अब हम इस इक्वेशन को x-1 से डिवाइड करेंगे ना तब भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ से तो हमारा आंसर, यहाँ से तो हम सेम शुरू काम कर दिया था ना हमने, यहाँ से हमने क्या काम शुरू, इक्वेशन हमारी क्या थी, x4 - 15x + 14 थी, और हमने इसको डिवाइड किससे किया था, x-1 से।
अब यहाँ पे भी देखें सेम वैल्यू से, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं एल सी एम इज इक्वल टू, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख सकते हैं x माइनस वन, और दूसरा फैक्टर क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 40। सही, अब हमारे पास ये इक्वेशन है एक्स वन माइनस 22x प्लस 2। जना हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, एक्स फोर माइनस 22x प्लस 21। ठीक है, अब हम इसको भी किससे डिवाइड करा दें, x माइनस 1 से। एक्स फोर माइनस 22x प्लस 21 को हम x माइनस 1 से अगर हम डिवाइड करा दें तो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x क्यूब से, x फोर, और यहाँ से आपके पास आया माइनस x क्यूब, साइन चेंज आपस में कैंसिल, x क्यूब माइनस 22x प्लस 21। सही, अब किससे मल्टीप्लाई करा दें, प्लस एक्स स्क्वायर से, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज ये दोनों आपस में कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21, प्लस x से मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 21। ठीक है, ये तो बाद में लिखेंगे, इनकी साइन चेंज आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 21x प्लस 21। अब क्या करेंगे, माइनस 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 21, साइन चेंज ये दोनों भी क्या होगा, कैंसिल होगा। तो जनाब हमारे पास किसके फैक्टर आ गए, अब हमारे पास आ गया एक्स फोर माइनस 22x प्लस 21, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1, और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21। सही, तो जनाब हम अब इस इक्वेशन की जगह एलसीएम में हमारे पास इस इक्वेशन की जगह क्या लिखा था, हमने ये लिखा था, और ये वाली इक्वेशन क्या थी, एक्स फोर माइनस 22x प्लस 21। सही, अब इसकी जगह भी क्या आ जाएंगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 14, और इसके फैक्टर क्या हैं, एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21। अब ये दोनों क्या हैं, पावर में आ जाएंगे एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 14, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 21। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन हमारे पास है 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। अब देखें, हम इसके फैक्टर ऐसे ही मालूम कर सकते हैं, अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से 3x कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और प्लस 3x को हम अगर लिख दें 7x माइनस 4x माइनस 28 करके, सही, तो जनाब हमारे पास 3x तो यहाँ पर है, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, बचेगा x प्लस 7, इन दोनों में से अगर हमारे पास कॉमन आ जाए माइनस 4 तो x प्लस 7 यहाँ भी बच जाएगा। तो जनाब 3x, x प्लस 7 कॉमन आ गया, x माइनस 4 एक साथ आ गया। ठीक है जनाब, तो इसके फैक्टर तो हमारे पास इसी तरह से आ गए। अब सेकेंड इक्वेशन के फैक्टर भी हम निकाल लेते हैं इसी तरह से, 4x4 माइनस 24x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर, इसमें से कॉमन हमारे पास आ रहा है, क्या कॉमन आएगा, 4x स्क्वायर कॉमन आएगा, हाईएस्ट वैल्यू क्या है x की, x स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को हमने लिख दिया माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 करके, 4x स्क्वायर यहाँ से कॉमन आया x, बचा x माइनस 4, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आया माइनस 2, बचा x माइनस 4। तो जनाब ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, x माइनस 4 कॉमन आया, x माइनस 2 यहाँ से बच गया,
जनाब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास देखें क्या आ रहा है। एक्स यहाँ पे भी है, एक एक्स यहाँ पे भी है ना? तो ये एक एक्स आ गया, एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, एक्स माइनस फोर यहाँ भी है, एक्स माइनस फोर, ठीक है। ये दो आपके पास क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब आपके पास क्या है एलसीएम का फार्मूला? एलसीएम का फार्मूला है फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि आपके पास है 3x³ प्लस 9x² माइनस 84x इंटू सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल आपके पास है 4x² माइनस 24x³ प्लस 32x² और HCF आपके पास है x इंटू एक्स माइनस 4। तो जनाब आपने क्या करना है, पुट करना है 1 और 2। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा जो हमने अभी फैक्टर निकाले थे, 3x एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 4। इस इक्वेशन की जगह क्या आ जाएगा जो हमने इसके फैक्टर निकाले थे, 4x² एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2। डिवाइड में क्या है एक्स और एक्स माइनस 4, एक्स से तो ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, और एक्स माइनस 4 से ये वाला एक्स माइनस 4 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 12x² और कौन कौन से हमारे पास बच गए, एक्स प्लस 7 बच गया और एक्स प्लस 4 बच गया और एक्स माइनस 2 बच गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हम HCF कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे HCF कैन बी फाइंड एज। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है ये हम डिवाइड में लिख देंगे, बड़ी पावर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन हम बाहर लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, इसको भी हम हाईएस्ट पावर से लिखना शुरू करते हैं, माइनस में एक्स फोर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। किससे डिवाइड करें कि माइनस एक्स फाइव है, माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं तो माइनस एक्स फाइव आ गया, तो माइनस माइनस प्लस एक्स फोर हो गया, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 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 1 × 1 = 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस में 2x² माइनस और यहाँ पे प्लस या माइनस है, ये दो भी हो गए आपस में कैंसिल, प्लस में 2x आ गया और ये हो गया प्लस 2। माइनस 2 कॉमन ले लें, x4 माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा, माइनस 2 को आप कर दें नेगलेक्ट। तो जनाब अब इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, तो x5 माइनस x4 माइनस x² प्लस 1 तो अंदर आ गया, यहाँ पे आपके पास आएगा x4 माइनस x माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई कर दे तो x5 आएगा, माइनस में x² हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, क्या बचा आपके पास माइनस x4 प्लस एक्स प्लस 1। किससे मल्टीप्लाई कर दें x4 के लिए, माइनस के लिए, माइनस 1 से, तो माइनस x4 माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 1, साइन चेंज कर दें, कैंसिल, रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 0 आया। तो यहाँ से आपके पास HCF आ गया कितना,
x4 - x-1, क्योंकि जिससे आपकी पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए, सॉल्व हो जाए, रिमाइंडर जीरो बचे, वो आपका HCF होता है। अब आपने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। LCM के लिए आपके पास क्या है फार्मूला, LCM का फार्मूला कहता है फर्स्ट पॉलिनोमियल जो कि आपके पास है 1 - x2 - x4 + x5, सेकंड पॉलिनोमियल 1 + 2x + x2 - x4 - x5 डिवाइड में आपके पास क्या है HCF x4 - x-1। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करवा देते हैं, सही। तो जनाब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, या तो इसको आप इससे डिवाइड करा दें, और ये हम कर चुके हैं ना यहाँ पे, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से डिवाइड करा देते हैं। तो -x5 पहले लिख दिया, -x4 + x2 + 2x + 1, डिवाइड किससे कराएंगे, x4 - x-1 से। -x5 चाहिए, -x से मल्टीप्लाई कराया, -x5 - x2 - x क्या हो जाएगा x, साइन चेंज, ये दोनों आपस में कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल, -x4 + में x बचेगा, ±, 2 में से बन गया x + 1। अब -x4 चाहिए, -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो -x4 हो जाएगा, -1 - x से मल्टीप्लाई हो तो -x, -1 - 1 से मल्टीप्लाई हो तो +1, इन सब की साइन चेंज करने, तीनों आपस में क्या होगा कैंसिल। तो यहाँ से हमारे पास 1 + 2x + x2 - x4 - x5 डिवाइडेड बाय x4 - x-1 किसके बराबर आया, -x - 1 के बराबर, ठीक है। अगर हम इसका माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x + 1, सही। अब क्या करेंगे, तो जनाब हमारा एलसीएम अब किसके बराबर हो गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन 1 - x2 - x4 + x5, और इसको हमने जब डिवाइड किया, इस पार्ट को जब हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया -1, माइनस है ना, माइनस कॉमन लिया, तो हम इस माइनस को -1 करके लिख देते हैं, ठीक है, और x प्लस वाला ब्रैकेट लिख देते हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, किससे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, इसको हम सॉल्व करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से, अब ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड तो कर दिया, ये चीज़ सॉल्व हो गई, ये चीज़ के साथ मल्टीप्लाई में आ गई, इसका जो भी आंसर आया, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हम लिखेंगे सॉल्व, इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, तो ये हो जाएगा x5 - x4 - x2 + 1 बाय रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहता है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है, हम अगर पुट कर दें x = 1, ठीक है, तो जनाब p1 आपके पास क्या हो जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा, 1 की पावर 5 - 1 की पावर 4 - 1 का स्क्वायर + 1, 1 की पावर 5 - 1 की पावर 4 - 1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव 1 - 2 - -1 - -2, ये तो आ गया आपके पास 0, सही। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करा देंगे px को किससे, x = 1 था, x - 1 से करा देंगे बाय x - 1, सही। तो जनाब यहाँ पे आया x5 - x4 - x2 + 1, x - 1 से डिवाइड कराएं, सबसे पहले आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, x4 से, तो x5 - x4 +
हो गए दोनों आपस में कैंसिल, यहाँ से आपके पास क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस x से मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x, साइन चेंज कर दें आपस में कैंसिल, माइनस x प्लस वन बचा, किस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? माइनस वन से, तो माइनस x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया पॉजिटिव वन, साइन चेंज होंगी, ये भी होगा आपस में कैंसिल। तो जना हमें से क्या पता लगा कि एक्स फाइव माइनस एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके फैक्टर आपके पास क्या है? एक्स माइनस वन, एक्स फोर माइनस एक्स माइनस वन, सही। तो जना हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा, अब इसके फैक्टर आपने लिख लिए एक्स माइनस वन, एक्स फोर माइनस एक्स माइनस वन, जो इससे पहले वाली इक्वेशन का हमने क्या फैक्टर निकाले थे? माइनस वन और एक्स प्लस वन, है ना, माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो ये माइनस वन और एक्स प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन और एक्स प्लस वन। ठीक है, और ये माइनस वाली साइन आप शुरू में लिख लें, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स फोर माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।